हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है बीएमएच के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। अपने पिता लालू प्रसाद यादव से उनका हाल चाल लेने तेजस्वी यादव रिम्स पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां से बेरंग लौटना पड़ा। वहीं तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। तेजस्वी यादव ने क्या क्या है आपको सुनाते हैं। हम कल रांची गए हुए थे, रुके रांची में हमको हमारे पिता से मिलने नहीं दिया। अब कारण क्या है ये हमको नहीं पता, लेकिन जेल मैनुअल के आधार पर अगर देखा जाए तो परिवार के सदस्य जो हैं वो मिल सकते हैं अगर सुपरिटेंडेंट चाहे तो। अब सुपरिटेंडेंट को हम फ़ोन करते रह गए, कोई फ़ोन नहीं उठाए। कल शाम में गए, हम बोले भाई कल सुबह ही मिला दो, लेकिन सुबह तक हम इंतज़ार करते रहे। उन्होंने बोला कि नंबर लिख लीजिए, दे दीजिएगा अपना नंबर, दिया गया, कोई फ़ोन नहीं आया। तो ये लगातार रिम्स के डॉक्टर ये कह रहे हैं कि लालू जी को एक्सरे कराना है, हेल्थ को लेकर के जो चेकअप करना है, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक नहीं ले जाने दिया जा रहा है। मतलब कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक नहीं ले जाने दिया जा रहा है, ये डॉक्टर का बयान है। डॉक्टर तो हमारे अपने हैं नहीं, वो तो रिम्स के प्रशासन के। तो आप सोचिए, एक बेटे को बीमार पिता से नहीं मिलने दिया जा रहा, और एक पेशेंट रिम्स में क्यों है लालू जी, इलाज के लिए, इलाज नहीं होने दिया जा रहा। ये किसके इशारे पे कोई साजिश, मतलब आप देखिए नीतीश कुमार बयान देते हैं तो छापे पड़ती है वहाँ, और वही जेल प्रशासन का जो जेलर आईजी है उन्होंने कह दिया कि लालू जी के पास कोई फ़ोन नहीं है, उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, हमको नहीं मिलने दिया जाता। ये हो क्या रहा है, ये न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा लालू जी के, लालू जी के लिए कोई साजिश और कौन। अरे भैया जेल सुपरिटेंडेंट किसके, आईजी जो है किसके कहने पे बदला जाएगा, सीबीआई डायरेक्टर को बदल दिया जाता है, कौन बदल रहा है बताने की जरूरत है। पलटू चाचा जो है परेशान है, हमारे मोदी जी परेशान है। इन लोगों के इशारे पे हो रहा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में फोकस करना है, ध्यान देना है। ये हम लोगों को ठीक है, पॉलिटिकल चीज़ें अलग हैं, लेकिन एक पिता को बेटे से तो मिलने का अधिकार है। वहीं नित्यानंद राय ने इस सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं। देखिए यह तो बिल्कुल सफेद झूठ है। ऐसा क्यों कोई नीतीश जी माननीय मुख्यमंत्री बिहार या भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा करें। मैं तो बार बार बोलता हूँ कि आज वो जेल में भी है तो जो वह किए उसका परिणाम है और कांग्रेस की देन है। जिस समय उन पर CBI चारा घोटाला का चार्जशीट दाखिल की, FIR उन पर हुए, चारा घोटाला उजागर हुआ, या पहली बार जेल में गए, सब अवधि देखिए ना। नरसिंहा राव जो प्रधानमंत्री थे, एक समय में देवगौड़ा थे और एक समय में बाहुबल सिंह थे, सब सरकार में लालू जी सम्मिलित थे, उनकी पार्टी सम्मिलित थी। देवगौड़ा जी के प्रधानमंत्री बनने में तो अहम भूमिका लालू जी की, किंग मेकर कहे जाते थे। मुलायम सिंह यादव जी को बनने नहीं दिए लालू जी, देवगौड़ा जी बना लिए। देवगौड़ा जी ने CBI को चार्जशीट उनसे उन्हीं की सरकार में हुई, जेल चले गए, जेल भेज दिया देवगौड़ा जी ने। और वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी उस समय, और विपक्ष की का काम ही है सरकार जो गलत करे उसको उजागर करना, बुलंदी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने की थी। क्यों आज सरकार हमारी केंद्र में है और राज्य में है तो आप कह रहे हैं कि हम जेल में भेज दिए। जेल तो आप उस समय गए जो जिस समय आपके गठबंधन की कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी और बिहार में आपकी सरकार थी। उनका कहना यह है कि इलाज में देरी करने से वो चाहते हैं कि लालू जी को इलाज में देरी नहीं, न सरकार की तरफ से है न भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। चुनाव के समय एक अफवाह करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह तेजस्वी जी झूठ बोल रहे हैं। अगर वैसी व्यवस्था है तो कोई डॉक्टर और जेल का जो नियम कानून है उसमें कोई क्यों दखल दे, ऐसा है तो भेजे, किसको कोई आपत्ति थोड़े है। अगर डॉक्टर को लगता है, डॉक्टर कभी भी मरीज की बात सुनता है और दूसरे की बात सुनता भी नहीं, क्यों करेगा। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी सिर्फ लालू जी से लड़ रहे हैं,
इसलिए जमानत जब थोड़ी है महागठबंधन की, तेजस्वी जी को तो हम बोले थे कि ये लोकसभा लड़िए, कहीं से क्यों नहीं लड़ रहे हैं,